श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष तिथि आ गई है, जी हाँ, और इस साल की ये है पहली प्रदोष। जी हाँ, हिंदू नव वर्ष के अनुसार ये साल की पहली प्रदोष पड़ी है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष विशेष उपाय हैं। ये उपाय आपको केवल प्रदोष तिथि के दिन करना होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 20 तारीख को प्रदोष है कि 21 तारीख को प्रदोष है। तो देखिए, जो प्रदोष तिथि लगेगी वो 20 अप्रैल को रात्रि 10:41 से शुरुआत हो जाएगी, यानी 20 अप्रैल को रात्रि से शुरुआत होगी और 22 अप्रैल को सुबह 1:11 पर इसका समापन होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदोष जो है उदय तिथि की मान्य रहती है। उदय तिथि के अनुसार रविवार 21 अप्रैल की प्रदोष तिथि होगी और ये रविवार की प्रदोष है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा केवल केवल रविवार की प्रदोष के दिन करने वाला विशेष बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। और चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, ये उपाय केवल रवि प्रदोष का है और 3 बेलपत्री वाला उपाय। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है। देखिए, आपको लेना है 3 बेलपत्री। रविवार की प्रदोष के दिन आपको जाना है शिवालय और शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप शिवालय जाएंगे और शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और डंडी जो होगी वो डंडी करना है आपको महादेव की ओर। इस बात का जरूर ध्यान रखें, रवि प्रदोष के दिन जब बेलपत्री समर्पित करो आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब डंडी का भाग आपको महादेव की ओर करना है और फिर 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और तब आपको महादेव की 5 कन्याओं के नाम लेकर करना है। कन्याओं का नाम क्या है? जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव। ऐसे आपको 5 कन्याओं का नाम लेकर उस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब इसको क्या करना है, आप जहाँ बैठे हो ना अपने से विपरीत ओर की ओर करिएगा। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो तो आपसे विपरीत यहाँ होगा, आपके ऑपोजिट। अगर आप इधर बैठे हो तो आपसे ऑपोजिट इधर होगी। तो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर की ओर। तीसरी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जो माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं, इस कटी भाग पर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराकर इस बेलपत्री को आपको बेल वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित करके आना है। जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और समर्पित करोगे ना तब कोई कंकर वहाँ रखा है तो उस कंकर के ऊपर समर्पित कर दो। और कंकर नहीं है अगर तो फिर आप क्या करोगे, आप थोड़े से मिट्टी के ढेला ऊंचा कर लेना, ऊंचा करके फिर उस बेलपत्री को उस ढेले के ऊपर समर्पित कर देना और डंडी आप जहाँ बैठे हो अपने से ठीक विपरीत ओर होगी। तो इस प्रकार 3 बेलपत्री वाला उपाय है जो केवल रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। अब करना कैसे, क्यों करना है, किन लोगों को करना है, तो यह उपाय जिनका व्यापार चलता नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ नया व्यापार शुरुआत करते हैं, हर बार घाटा खाकर बैठ गए हैं, व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है, या किसी व्यापार में आपने पूरा पैसा लगा दिया है और पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो पैसा उस व्यापार से आपको मिला ही नहीं, तो इस उपाय को करके देखना, आपको पैसा वापस रिटर्न मिल जाएगा। कई पैसा रुका हुआ है, आ नहीं रहा है, तो और उस व्यापार को इस उपाय को बार बार नहीं करना है, इस उपाय को आपको एक ही बार करना है और आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ये विशेष उपाय। दूसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 30 साल, 31 साल, 32 साल हो गई है और विवाह हो ही नहीं रहा है, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 समी पत्र और आपको लेना है 1 आंकड़े का पुष्प। जी हाँ, आंकड़े का पुष्प, जैसे 5 गुच्छा होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार का आपको आपको एक हाथ में बेलपत्री पकड़ना है, समीपत्र रखना है और एक गुच्छा रखना है फूलों का। इजी है, एक ही फूल में 5 प्रकार के बन जाते हैं। ये लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। बेलपत्री के वृक्ष में सभी सामग्रियों को, तीनों को समर्पित कर दीजिए। एक लोटे में जल लेकर जाए, उस लोटे जल से आपको 5 जल समर्पित करना है उसी बेलपत्री के ऊपर। 1, 2, 3 ऐसा करके 5 समर्पित कर देना है। फिर आपको बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाना है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा लगाना है।
परिक्रमा लगाने के बाद अपने विवाह की कामना करें और फिर उस पत्तियों को यानी बेलपत्री को, समीप पत्र को और फूल को उठाकर घर लेकर आ जाए। घर लाकर उसे आप मंदिर में रख सकते हैं, किसी आप चालीसा में रख सकते हैं, एक वैसे जगह पर आप रख सकते हैं। तो यह विशेष उपाय आप मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं प्रदोष तिथि के दिन। तो दो विशेष उपाय जो रवि प्रदोष के दिन आप अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।